ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, नित्यानंद राय भी उजियारपुर से इस वक्त आगे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 31 सीटों पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही बता दें कि बीजेपी 10 सीटों पर पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है। टीएमसी और बीजेपी के बीच में ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हर बार की तरह टीएमसी ने बढ़त हासिल की है। वहीं महुआ मोइत्वा भी अपनी सीट से आगे चल रही हैं। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो दोनों ही लोकसभा सीट वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं। और अमेठी में स्मृति ईरानी कांग्रेस प्रत्याशी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और राहुल गांधी को शिकस्त दी थी, जिसके बाद आज जो अमेठी का किला है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फतेह नहीं कर पा रही हैं और लगातार शुरुआती रुझानों से ही वो पीछे जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बेगूसराय सीट की बात कर ले तो यहां पर भी गिरिराज सिंह बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय भी उजियारपुर से इस वक्त आगे हैं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी 31 सीटों पर आगे जाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के अगर रुझानों की बात कर ले तो ये मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच का है। महुआ मोइत्वा भी पश्चिम बंगाल में अपनी सीट पर कई हजार वोट से आगे चल रही है। वहीं राहुल गांधी की बात कर लेते हैं तो राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर इस बार लंबी बढ़त से आगे चल रहे हैं। अमेठी में बात कर ले तो स्मृति ईरानी कांग्रेस प्रत्याशी से पीछे जाती हुई नजर आ रही है। बिहार की सावर सीट से रोहिणी आचार्य भी इस वक्त पीछे है। वहीं अगर बात कर ले बेगूसराय से तो गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं और कहीं ना कहीं अब वो बढ़त हासिल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो आंकड़े हैं, जो रुझानों के आंकड़े हैं वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अगर एनडीए की बात कर ले तो एनडीए के खाते में 298 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडी गठबंधन के पास 225 सीटें इस वक्त आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अन्य के खाते में इस वक्त 20 सीटें नजर आ रही हैं। ये बड़ा अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर आपसे साझा कर रहे हैं। लगातार जो रुझान है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अन्य की अगर बात करें तो अन्य के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त ही सामने आ रहा है। बिहार की सारण सीट से रोहिणी आचार्य पीछे चल रही हैं। वहीं अगर बात बेगूसराय की करें तो गिरिराज सिंह भी अब बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का हम आंकड़ा आपसे साझा कर रहे हैं। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। वहीं एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में ये बड़ा मुकाबला इस वक्त का देखने को मिल रहा है, क्योंकि 298 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और बहुमत बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो 225 सीटें इंडी गठबंधन के खाते में हैं और अन्य के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी भी 10 सीटों पर आगे चल रही है। बता दें कि महुआ मोइत्वा अपनी सीट पर आगे हैं। वही बात अगर राहुल गांधी की कर ले तो राहुल गांधी का ये वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो काफी अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि दोनों ही लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह भी बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो 11 लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी के पक्ष में ये रुझान सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में 14 सीटें बीजेपी के खाते में तो वहीं कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। और गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से अभी गांधीनगर से अमित शाह की जीत दर्ज की गई है और लगातार गुजरात में बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच का ये मुकाबला है, ये माना जा सकता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे थे, जो एग्जिट पोल के रुझान थे, कहीं ना कहीं उसमें उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनडीए के खाते में 298 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं तो वहीं इंडिया के खाते में 225 सीटें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। और साथ ही बता दें कि अन्य के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर